आज भी इतने सालों के बाद ऐसे ही खूबसूरत लग रही। बाल साहब आप भी ना, मेरी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में तुमने मेरा साथ दिया। कहने वाले सच कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि उसका शौहर अपनी हर कामयाबी और तरक्की में उसको बराबर का हिस्सेदार समझता है। अरे मेरा बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बाबा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। इकबाल साहब आप बाहर जाके थोड़े इंतजाम देख लीजिए ना, मेहमान भी तो आने वाले होंगे ना। आती हूँ मैं। जो हुकुम। You're looking so beautiful. Thank you, बेटा। खुश हूँ। आपके साथ हूँ, बहुत खुश। चलो। Yes. अम्मा ये तो बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, उससे भी अच्छे जो वो पहले देती रही हैं। आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में ना लड़कियां अमीर अमीर जो होती हैं ना वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे को कम अच्छे कपड़े पहनती है? अरे कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो उसने अभी तक पहने भी नहीं है। कह रही थी कि 10-20 जोड़े और मंगवा लिए हैं तो रखने की जगह नहीं है। वाह मेरे अल्लाह तेरी शान। कुछ लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, कुछ को तो इतना दे देता है कि उनके पास रखने की जगह नहीं है। सही कह रही हैं आप अम्मा, वाकई अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, जब मैं पढ़ लिख के अफसर बन जाऊंगी तो हमारे लिए भी ये छोटे मोटे खर्चे मामूली बात होंगे। इंशाल्लाह। तो अल्लाह से हर वक्त हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह वो दिन कब आएगा। अच्छा जरा आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना। अच्छा क्या है? खोली नहीं है। अच्छा क्या हुआ? अब खोलो। लो तुम्हारे लिए। हाँ मेरे लिए? ये अनुषी बीबी ने दिया है तुम्हारे लिए। मैंने तो ऐसे सरसरी सा कहा था बेगम साहिबा को कि कुदसिया को जरूरत पड़ती है, मुझे क्या पता था वो सचमुच दे देगी। शब तुम्हारा अच्छा ना? अम्मा मेरा है ना, ये कितना प्यारा और महंगा फोन है। ऐसे ही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ ये मेरा है, आप मजाक तो नहीं कर रही, सच कह रही है ना? अम्मा ये अब तुम्हारा है। हाजरा तुम्हें कोई शर्म हया है या नहीं?